हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या घर से कुछ काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि हम काम कैसे ले सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इसमें ऑनलाइन कैसे काम लेते हैं, किस जगह से लेते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेबसाइट्स ओपन करके रखी हैं, जैसे freelancer.com, truelancer.com और upwork.com, फाइवर। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स हैं जिनसे आप काम ले सकते हैं, बट ये ट्रेंडिंग में हैं। इसमें भी मैं सबसे पहले आपको फ्रीलांसर के बारे में बताऊंगा, बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी हम आएंगे, बट मुझे जो है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से फ्रीलांसर का इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा। इनका ऐप बहुत ज़्यादा यूजफुल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, इनकी वेबसाइट पे जिस तरह से प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है प्रोजेक्ट ले पाना। तो आइए हम देखते हैं इस वेबसाइट पे, freelancer.com पे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, यहाँ पे हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप फेसबुक के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं या आप अपने ईमेल के साथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एक पास डाल देता हूँ, इन्फो। आप भी यहाँ पे अपना ईमेल डाल दें, देन यहाँ पे पासवर्ड। आई एग्री पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप ज्वाइन कर लें। अपना नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका यूजर नेम होगा इससे भी आप लॉगिन कर पाएंगे, ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम मान लीजिए कोई नाम डालते हैं, रोमस टेक्नोलॉजी, विदाउट स्पेस के साथ यूजर नेम होना चाहिए। तो हमने यूजर नेम मस्ट बी 3 एंड 16 करेक्टर। ओके, क्या प्रॉब्लम है? ये लॉन्ग है, आई थिंक एरोमास्टिक, यस। अब ये आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं कि हायर करना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशन से आप अकाउंट बना सकते हैं। आप चूंकि काम के लिए आ रहे हैं तो आप आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे। वैसे आप किसी से भी क्लिक करके जाएंगे अंदर से वो बाद में चेंज भी हो जाता है। तो हम आई वांट टू वर्क पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा साइन अप सक्सेसफुली हो रहा है। अभी ये मैं हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वेलकम टू फ्रीलांस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इनकी लगभग 70 से 80 लाख एक्टिव यूजर हैं जो डेली प्रोजेक्ट पोस्ट करते रहते हैं। अभी यहाँ पे ये क्या है कि आपको अपनी स्किल्स सेलेक्ट करनी है कि आपके पास क्या स्किल्स है, किस पे आप काम करना चाहते हैं। लाइक आप वेब आईटी या सॉफ्टवेयर में हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कुछ ऐसा काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, आप डिजाइनिंग में काम करते हैं, ग्राफिक्स डेवलपमेंट करते हैं या डेटा एंट्री वगैरह का कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे लगभग सारी फील्ड के, यहाँ तक कि देखिए बिजनेस अकाउंटेंट, सारी फील्ड के जॉब आपको अवेलेबल है। अदर पे करके आप और भी देख सकते हैं। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में आपके नॉलेज है उससे फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे आप कैटेगरी या स्किल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं वेबसाइट एंड आईटी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करता हूँ। तो जब आप जिस भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे और स्किल्स यहाँ पे आ जाएंगे।
ये बाय डिफॉल्ट आपको 20 स्किल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अब मान लीजिए PHP, HTML, WordPress, जावा स्क्रिप्ट, MS SQL, ये आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जो भी आपकी स्किल्स है उसी को सेलेक्ट करिएगा, ताकि आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट दिखाई दे। नहीं तो अगर आपने कोई ऐसी स्किल सेलेक्ट कर ली जो आपको नहीं आती है, और तो आपको वो भी प्रोजेक्ट आएंगे जिसको आप कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही स्किल सेलेक्ट करेंगे जो हमें जिस पे हम आगे काम कर सकते हैं। तो हमने 11 स्किल सेलेक्ट कर ली है, आप ज़रूरी नहीं है कि 20 सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या कह रहा है कि आप अपना प्रोफाइल फोटो या फुल नेम वगैरह डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले आइए हम एक यहाँ पे फोटो लगाते हैं, या आप इसको लीव भी कर सकते हैं, हम इसको बाद में कर लेंगे। नाम डाल देते हैं कि हम किस नाम से अपना अकाउंट बनाएंगे। तो मान लीजिए एरोमस टेक्नोलॉजी। अपनी लैंग्वेज आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं वो अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे डाल सकते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी रखते हैं। अब आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कि आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं। तो अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, उस पे जा सकते हैं। वैसे इसका आपके प्रोजेक्ट पे काम करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप यहाँ से इमीडिएट इंटरमीडिएट ऑप्शन से आगे बढ़ें, इसका प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काम पे नहीं पड़ेगा। जस्ट ये फ्रीलांसर अपने नॉलेज के लिए लेता है। यहाँ से हमें लग रहा है फोटो लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये आता है कि आपसे कहता है कि सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई। इसको आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ इसको नहीं करना है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप पेपाल या क्रेडिट डेबिट कार्ड लगा के अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेते हैं तो फ्रीलांस आपके जो भी चार्जेज हैं, लाइक आप कोई पैकेज एक्टिवेट करते हैं या 1 महीने बाद इसको रिन्यू करना होगा, तो फ्रीलांस बिना इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेगा और आपको केवल एक मैसेज आएगा, ये अपना चार्ज यहाँ से कट कर लेंगे। ये उनके लिए है जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाइएगा, आपको अपनी प्रोफाइल की अच्छी ज़रूरत होगी, देन इस पे इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। इनिशियली इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके फॉर नाउ करें। अभी ये क्या कह रहा है कि आप प्लस मेंबरशिप मोर देन इतने लाइक अवार्ड, दुनिया भर की चीज़ें, ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ये आपसे पैसा लेना चाहते हैं एक्चुअली में। हालांकि इस प्लान का हम लोग बेनिफिट उठाएंगे, जैसे कि ये 729 रुपये पर मंथ का इनका प्लान है, बट ये अभी आपको फ्री दे रहे हैं 1 महीने के लिए। जब कोई भी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो वो ये आपको प्लान प्लस मेंबरशिप वाला इनके यहाँ फ्री मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा, जो इसका पहले वाला स्टेप था। अगर हम यहाँ पे आएंगे ना तो अभी हमसे फिर से वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं, बाद में जब आपका 1 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो इसको फिर से अनवेरीफाइड कर लीजिएगा, बट अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं और देखते हैं कि बिना इस प्लान के ये हम बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो बिना प्लान के हम आगे बढ़ते हैं इसकी फॉर नाउ। अब ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है ना। एक चीज आपसे कह रहा है कि आपके ईमेल पे एक मेल गया होगा, उससे आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए। आप देखिए आपसे रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स दिखाई देने लगेंगी।
तो आइए पहले हम इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमको एक वेरिफिकेशन ईमेल आया है और हमको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे क्लिक करके हम अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है और आप से फिर वही बोल रहा है। इसको आप यहाँ से बंद कर दें, इसको फिर से अगर हम रीलोड करेंगे तो ये मैसेज यहाँ से चला जाएगा। मैं आपको कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि आपसे जीएसटी मांग रहा है। एज पर इंडियन रेगुलेशन फ्रीलांसर रिक्वायर फॉर जीएसटी। अगर आप इसको नहीं देंगे तो ये आपका अकाउंट में पैसे जो भी यहाँ पे आएंगे ना उसको विड्रॉल नहीं होने देगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे लोगों के पास जीएसटी होगा ही नहीं, और जीएसटी के भी रूल हैं कि कुछ सर्टेन अमाउंट के बाद ही हमें लेना होता है, उसके पहले हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये तो बोलते हैं कि हम पेमेंट ही नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, अपडेट योर जीएसटी पे आइए आप। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जीएसटी, आज हमारा नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है आई थिंक। ठीक है, आप ईमेल सेक्शन प्रोफाइल ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन वेट करते हैं यहाँ पे लोड होने का। यस, आप देखिए ये आपसे जीएसटी नंबर मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है आर यू एक्सपेंड फ्रॉम जीएसटी, दैट मीन्स आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और रीजन आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि हमारी इनकम 20 लाख से कम है, है ना, फाइनेंशियल लेस देन 20 लाख। 20 लाख के नीचे आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस रीजन को सेलेक्ट करिए और सेव रीजन कर दीजिए। तो ये आपका पेमेंट और फाइनेंशियल में ये सेव हो गया है। अभी आप जब पीछे आएंगे तो ये जीएसटी वाला पॉपअप मैसेज आपके पास से हट जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको कह रहा है कि ये आप प्लान ले लीजिए अपना पेमेंट वेरीफाई करा के। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करने से पहले एक दो चीज़ें और करनी ज़रूरी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, ये सब कर लेना चाहिए। एक्चुअली में मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पे आते हैं, जब हम अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हैं, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट ये जो आपकी प्रोफाइल है ना यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक जब आपके पास रेटिंग्स होंगे, रिव्यू होंगे, ये डॉलर रेटिंग होगा तो ही आपको क्लाइंट्स प्रोजेक्ट देते हैं। जितनी अच्छी रेटिंग रिव्यू होते हैं उतने अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको कम बजट पे बिडिंग करनी होगी, बट एक बार ये रेटिंग रिव्यू आ गए तो आपको काम आसानी से मिलने लगेगा। डोंट वरी, ये भी पॉसिबल होता है और इजीली हो जाता है। थोड़ा सा एफर्ट लगता है एक दो महीने का, उसके बाद आपको काम मिलने लगेगा। देन दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना ये भी आपको कर लेनी है सारी वेरीफाइड, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट आपको अब काम देता है तो वो आपकी ट्रस्ट को देखता है कि आप कितने ट्रस्टेबल हैं। लाइक आपने केवल ईमेल वेरीफाई करके रखा है तो अगर आप ही किसी को काम देंगे तो लगेगा ना कि यार ये बंदा सही नहीं है,
इसके पास ना फ़ोन वेरीफाई है ना उसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है। मान लीजिए ये दो चीज़ें तो आगे की बात है, ना पेमेंट वेरीफाई, पेमेंट वही जो हमने कार्ड के लिए कहा था, आप जब कार्ड डालेंगे तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। फ़ोन नंबर के लिए आपको यहाँ पॉपअप आ रहा है, आप उसको भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इन सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड होना। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कराई तो आपको ऐसा हो सकता है कि पेमेंट आपको ना मिले। ये पेमेंट यहाँ पे रहेगा और होल्ड हो जाएगा जब तक आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करेंगे। तो क्यों ना जब हम अकाउंट बनाएं तभी वेरीफाई कर लें। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी होंगी। अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करिए कि आप किस, आपकी एक प्रोफाइल पे हेडिंग होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। जैसे हम एंड्रॉइड एंड मोबाइल, सॉरी वेब मोबाइल, सॉरी फॉर दैट, एंड्रॉइड ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, हमारा ये हेडिंग है। ये ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी ये पहले दिखता है तो उसे देखते ही ये पता हो जाए कि आप किस टाइप का काम करते हैं। देन अपना एक यहाँ पे कॉस्ट पर आवर का सेट कर दीजिए। हम रिकमेंड करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में 8 ही रखिए या कम से कम रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल का अपने डिस्क्रिप्शन दीजिए, है ना। और इसमें बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको बनाना बताता हूँ कैसे आप बना सकते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से और ब्राउज पे आते हैं, सर्च करते हैं कोई फ्रीलांसर। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रीलांसर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। उनकी प्रोफाइल को देख के हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। आज काफ़ी स्लो है आई थिंक इंटरनेट। ठीक है, जब तक ये ओपन हो गया, वेट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, हम किसी का ओपन करते हैं एक मिनट के लिए प्रोफाइल। और जैसे इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है या किसी और का भी आप देख लीजिए जिनका आपको अच्छा लगे, उसमें थोड़ा सा अपना कस्टमाइज करके एक अच्छी प्रोफाइल बनाइए, है ना। ये भी सब ठीक नहीं लग रहा है हमें। ई टैलेंट 7 ईयर एक्सपीरियंस, यस आई थिंक कुछ ऐसा जो आप दे सकें। तो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी करके डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा, अपनी चीज़ों को डालिएगा, है ना। तो एक अच्छी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। यहाँ से आप एक इमेज चूज कर लीजिए, वहाँ कैमरा आ जा रहा था इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया था, बट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम अपनी, आप अपने कंपनी का लोगो, जो भी आप अगर कुछ ब्रांड बनाना चाहते हैं, या पर्सनल फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर पर्सनल प्रोफाइल इंडिविजुअल काम करना है तो आप अपना खुद का चेक फेस लगाइए, अदरवाइज आप अगर कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो अपने फॉर्म का लोगो लगा दीजिए। तो देखिए ये इस तरह से कंप्लीट प्रोफाइल है। अब जब ये कोई भी क्लाइंट आपको देखेगा तो उसको यही चीज़ दिखाई देती है, और नीचे आपके रिव्यूज़ रेटिंग जैसे आप काम करेंगे तब आते जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई कराने की। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा यूजर सेटिंग्स में, और यहाँ पे फुल डिटेल अपनी प्रोवाइड करनी है। ये हम इधर क्लोज कर देते हैं।
इसमें हम आपको कंप्लीट फ्रीलांसर पे जो जो चीज़ें होती हैं अकाउंट बनाने से पहले, काम करने से पहले जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट डोंट वरी, इसको एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना पूरा एड्रेस देना है। यहाँ पे मान लीजिए हम अपना एड्रेस दे देते हैं, देन ये सब करके आप सेव कर दीजिए। ईमेल एड्रेस, सेटअप सिक्योरिटी पिन, आप 2 स्टेप पे भी जा सकते हैं, आपके लैंग्वेज वगैरह ऑलरेडी सेट हैं। एक बार इन ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं क्या है। करेंट ईमेल आपको नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेंबरशिप है जो आपने फ्री ले रखी है। पासवर्ड है, पेमेंट एंड फाइनेंशियल अपडेट रीजन, ये सब हमने अभी कर ही लिया जो GST के लिए था। अकाउंट सिक्योरिटी, कंडीशनल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई है, इसमें आप जितना ज़्यादा करेंगे, देखिए आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, अभी आपके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप वेरीफाई करते जाइए ताकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। फेसबुक से कनेक्ट कर दीजिए, लिंक्डइन से कर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस अकाउंट को एक्चुअली मैं चलाऊँगा नहीं। और ऑथेंटिकेशन कार्ड, देखिए इस पे 45 पॉइंट्स दे रहा है, क्योंकि वो रिस्क फ्री हो जाता है ना फ्रीलांसर, कभी भी आपके अकाउंट से उसको रिचार्ज वगैरह करना है तो वो डायरेक्ट आपको आपसे पैसे ले सकता है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, वर्क है कि हायर है, ये आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज हमें नहीं दिखी, फॉर, ठीक है, व्यू प्रोफाइल पे आते हैं, एडिट स्केल, मैनेज फंड विड्रॉल ट्रांजेक्शन। उसके पहले हम एक चीज़ और, कुछ चीज़ें और दिखा दें अभी फ्रेंड्स। ये आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना आइडेंटिटी वेरीफाई का, अभी नहीं आ रहा है। आई थिंक हम जब नंबर वेरीफाई कर लें तब ये एक्टिव होगा, या कुछ समय बाद अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी हम आगे आपको बता देंगे। थोड़ी सी और चीज़ें दिखा देते हैं। ये विड्रॉल फंड पे जब आप आते हैं, जब आपके वॉलेट में पैसे हो जाएंगे, तो आप यहाँ से एक्सप्रेस विड्रॉल लीजिएगा, जिस पे कोई भी कमीशन ये नहीं आपसे चार्ज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम आपसे 15 दिन का डिले करेंगे। नॉर्मली इनका जो पेमेंट होता है 2 से 3 दिन में आ जाता है, बट जब आप फर्स्ट विड्रॉल करेंगे तो ये 15 डे से 20 डे का टाइम ले लेते हैं। तो इस चीज़ को आप माइंड में करके चलिएगा कि जब हम पहला विड्रॉल करेंगे तो 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं, बिडिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, कि प्रोजेक्ट हमें लेने के लिए किस तरह से अप्लाई करना होता है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम में।